फैक्ट नंबर एक। गाइस, आपने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के आसपास अक्सर एक बिल्ली को देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि वो कोई साधारण बिल्ली नहीं है या प्राइम मिनिस्टर की पालतू बिल्ली भी नहीं है, बल्कि वो ब्रिटेन गवर्नमेंट में एक मिनिस्टर है। जी हाँ गाइस, इस असाधारण बिल्ली पर किताबें लिखी जा चुकी हैं, और तो और इस बिल्ली का अपना विकिपीडिया पेज भी है। दरअसल इस बिल्ली का नाम है लैरी द कैट, जिसे साल 2011 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने चूहों का खात्मा करने के लिए भर्ती किया था। लेकिन इस बिल्ली के अद्भुत कारनामों को देखते हुए ब्रिटिश कैबिनेट में इसे द चीफ माउसर टू द कैबिनेट ऑफिस बना दिया गया, जहां इस बिल्ली का काम है गेस्ट का वेलकम करना, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेना और सोने और बैठने के लिए कौन सा फर्नीचर बेस्ट है ये बताना। फैक्ट नंबर दो। गाइस, क्या आप जानते हैं कि जिस हवाई जहाज को बनाने का श्रेय राइट ब्रदर्स को दिया जाता है, उसे साल 1895 में ही शिवशंकर बापूजी तलपड़े ने बना दिया था, और कहा यह जाता है कि मुंबई के जुहू चौपाटी बीच पर उन्होंने इस जहाज को उड़ाकर भी बताया था। लेकिन उस समय हम गुलाम थे और इस वजह से हमें उस इन्वेंशन का पेटेंट नहीं मिल पाया था। वहीं अंग्रेजी मीडिया ने भी इस इन्वेंशन को न्यूज़पेपर में छपने से रोक दिया था, जिससे हुआ ये कि साल 1907 में जब राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज बनाया तो उन्हें ही इस खोज का पूरा श्रेय दे दिया गया। और ये सिर्फ शिवशंकर बापूजी तलपड़े के साथ ही नहीं हुआ, बल्कि हमारे साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस और सीवी रमन को भी अपनी अपनी खोज का पेटेंट नहीं मिल पाया था, जिसकी वजह से रेडियो और इलेक्ट्रिसिटी जैसी बड़ी बड़ी खोजों का श्रेय भी विदेशी वैज्ञानिकों को चला गया। गाइस, अब जरा सोचिए कि ऐसी कितनी और खोजें होंगी जिन्हें विदेशी ताकतों ने इतिहास के पन्नों में दर्ज ही नहीं होने दिया, जिन पर हमारा हक था।